अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉटन वाल पर है। हम शुरू करेंगे कॉटन वाल की बुनियादी चीज़ों से कि जो कॉटन वाल होते हैं उनमें कितनी किस्म के सेक्शन होते हैं, तो उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर कॉटन वाल की, इसमें डब्बी नहीं लगी हुई, सिर्फ सिलिकॉन की हुई है अंदर की तरफ। और उसके बाद ये देखें, ये जो कॉटन वाल की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट जो डब्बी होती है वो लगेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इनमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये CW1 है, इसको बड़ा कॉटन वाल बोलते हैं। ये डबल नके वाला है, तो ये देखें CW1 इसका नंबर है, ये इसका डबल नक्का है। और इसकी आपकी चौड़ाई जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें तकरीबन 4.25 इंच है। और जो सिर्फ बॉक्स बनता है वो 3 इंच का है। जो इसकी दूसरी तरफ की चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। तो ये देखें, ये इसका साइज़ होता है। और इसके बाद इसके ऊपर लगती है जिसको हम आम रेगुलर ज़बान में प्रेशर प्लेट बोलते हैं, लेकिन जो इसका नंबर है वो CW2 है, यानी कि CW2। ये इस तरह इसके ऊपर आती है जहाँ आपने डब्बी लगानी है, जो ऊपर कप आता है जिसको बोलते हैं। इस तरह इसमें स्क्रू करते हैं और ये इसके ऊपर बैठ जाती है। और इसके अंदर की तरफ ये जो आप ग्रूव नज़र आ रहे हैं प्रेशर प्लेट में CW2 में और ये कॉटन वाल में CW1 में, ये जो लाइन है यहाँ रबड़ आती है शीशे को पकड़ने के लिए, दोनों साइड से दोनों में लगती है ताकि शीशा अंदर हिले ना, अच्छे से टाइट हो। इस जगह पर ये देखें रबड़ आती है कॉटन वाल की, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये देखें, ये इसकी डब्बी है जो उसके ऊपर लगती है। इसका जो सेक्शन नंबर है वो CW3 है। ये इस तरह इसके ऊपर पंच हो जाती है। इसको कोई पेच या स्क्रू नहीं लगाते हम, क्योंकि बाहर से एक जैसा सेम नज़र आता है और अच्छा लगता है। अगर पेच लगे होंगे तो बुरे लगेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ जो है इसको जोड़ने के लिए, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर रखते हैं। अगर आपने डबल ग्लास शीशा लगाना है 24mm का, तो उसके लिए ये इसके अंदर जो लगता है इसको वाई भी बोलते हैं। ये इस तरह इसके अंदर आता है, इस तरह इसके ऊपर बाद में ये प्लेट लगती है। जो इसका ये ग्रूव होता है ये ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ चेक करें, इसका जो ग्रूव है वो ज़्यादा हो गया है। इसमें 2 किस्म के ये मिलते हैं, तो उसका मैं आपको अभी कैटलॉग में दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये इस तरह आ जाता है जिससे डबल ग्लेज शीशा आसानी से लग जाता है अगर आपने लगाना हो तो। ये यू है जो इसमें जॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो नंबर है CW4 है, CW4। ये इस तरह लगते हैं, इसके ऊपर कॉटन वाल आता है, इस तरह फंस जाता है, साइडों से रिफ्टे लगाते हैं। पहले ही हमने देखें ये बचा हुआ पीस हमारे पास, ये सुराख किए हैं 3, ये इस तरह लगा के जो हाइट आती है ऊपर से सीधी इसके ऊपर आती है इस तरह। तो इसकी साइडों से इस तरफ से रिफ्टें लगती हैं, उस तरफ से भी रिफ्टें लग जाती हैं। आजकल जो नया तरीका है वो सामने से पेच लगाते हैं, तो लेकिन जो ज़्यादा मजबूती वो इसी तरह है, रिफ्टें लगाने से आती है। इसी तरह ये देखें, ये CW01 है, छोटा कॉटन वाल। तो अभी हम इसकी चौड़ाई चेक करते हैं। तो ये देखें, इसमें सिंगल नक्का और डबल नक्का भी आता है। इसकी बाहर तक चौड़ाई है जो 3 इंच है, बॉक्स तक तकरीबन 2 इंच 3 सूत्र है। और इस साइड से ये 2 इंच है, ये देखें, ये इसकी जो इस साइड से चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो ये छोटा कॉटन वाल है, जहाँ हाइट कम हो या कोई कम रेट दे रहा हो तो तब फिर हम ये लगाते हैं। इसमें डबल नक्का भी है और सिंगल नक्का भी आता है। जो सिंगल नक्का होता है उसमें सिर्फ सिलिकॉन करते हैं सेंटर में, तो डबल नक्के पर ये प्रेशर प्लेट आती है। जो इसका नंबर है ये CW02 है। तो इस तरह इसके ऊपर ये प्रेशर प्लेट आती है। तो उसी तरह इसका कप भी अपना है। जो इसका कप पे जो ऊपर कैप होता है ये वाला, इसको आप बोलते हैं डब्बी बोलते हैं जो इसका, लेकिन सेक्शन नंबर है जो वो CW03 है। और ये इस तरह फिटिंग होती है। दोनों का तरीक़ेकार एक ही है, बड़े का भी छोटे का भी। तो इनके साइज़ों का फ़र्क होता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइट हो या चौड़ाई हो तो फिर बड़ा कॉटन वाल लगाते हैं। ये देखें, ये CW04 है, ये इसका यू है। इसके जुड़ाई के लिए हम यू ही इस्तेमाल करते हैं, एंगल नहीं लगाते क्योंकि इससे ज़्यादा मजबूती आती है।
तो इसी तरह ये हम रखते हैं, इसी तरह ऊपर ये कॉटन वाला रखते हैं, समझ लें नीचे इसकी विड्थ है, जिसकी हाइट है। तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो इस पर बना दूँ तफसीलन समझाने के लिए आपको, कोई इसकी जो कटिंग होती है उसका तरीके क्या है, कैसे माइनस करते हैं, तो वो भी मैं छोटी सी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पिछले दिनों में हमने कॉटन वाल लगाया था तो थोड़ा मसला बन गया था कि एक बार जब हमने कॉटन वाल लगाया तो तब हमारा मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सका उस दिन, और दूसरी दफ़ा मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो लड़के थे इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगली बार मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर दिखाऊं जब ये लगेगा। तो एक साइड है हमारी, अभी कंफर्म नहीं हो रहा वहाँ पे। तो आप दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।